देश और महाराष्ट्र के धरोहर कहे जाने वाले नेता शरद पवार ने जो फैसला लिया है उससे पूरा देश चौंक गया है और सबसे बड़ा इसका राजनीतिक असर महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। दरअसल जब महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई उसके बाद एनसीपी में एक बगावत का जो सुर था वो देखने को मिला। शरद पवार के जो भतीजे थे अजीत पवार, उन्होंने जिस तरीके से समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया उसके बाद एनसीपी के अंदर कहा जा रहा था कुछ भी ठीक नहीं है। साल 1999 में शरद पवार ने एनसीपी पार्टी का जो गठन है वो किया और एक महत्वपूर्ण इस पार्टी ने भूमिका महाराष्ट्र के सियासत के अंदर बनाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे शरद पवार, लेकिन अब जो बड़ा ऐलान शरद पवार ने किया है वो ये है कि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने का मन शरद पवार ने बना लिया है। और इस बात का ऐलान जैसे ही उन्होंने किया उसके बाद भूचाल जो है वो महाराष्ट्र के सियासत में आ गया है। दरअसल एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने यह कहा कि अब वो पार्टी की कमान नहीं संभालेंगे, खुद को पार्टी से दूर रखेंगे। जैसे ही ये घोषणा उन्होंने की है उसके बाद से एनसीपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा पार्टी का नेतृत्व आप ही करें। गौरतलब हो कि अजीत पवार से जो नोक झोंक सियासी मसलों पर रही है उसके बाद शरद पवार ने जब ये ऐलान किया है तो निश्चित तौर पर इसका बड़ा असर महाराष्ट्र के सियासत पर पड़ेगा। एक ऐसा नाम शरद पवार रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में, जब भी सरकार बनती है तो शरद पवार हाथ में चाबी लेकर घुमा करते हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में शरद पवार जिस संकट में, पारिवारिक संकट में फंसे हैं, उसके बाद पारिवारिक कलह से दूर रहने के लिए उन्होंने ये मन बना लिया कि अब पार्टी की कमान उन्हें छोड़ देनी चाहिए और नए चेहरे को इस सीट पर बैठाना चाहिए। हालांकि शरद पवार ने जब ये मन बनाया है उसके बाद पार्टी के कई नेताओं ने अपनी नाराज़गी इस फैसले पर जताई है और कहा है कि अभी वक्त नहीं आया कि आप इस पद को छोड़ें। देखने वाली बात होगी कि जहां घोषणा हो चुकी है कि शरद पवार इस पद से इस्तीफा देंगे, खुद को एनसीपी से दूर करेंगे, वहीं पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो शरद पवार को फिर से पुनर्विचार करने की बात कर रहे हैं और जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो शरद पवार को लगातार समझाने में लगे हैं। देखने वाली बात होगी कि पारिवारिक कलह और पार्टी के अंदर जो खटपट चल रही है उसके बीच अगर शरद पवार इस तरीके से पार्टी से दूर हटते हैं तो क्या कुछ एनसीपी का होता है। अब सवाल ये है कि अगर एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को शरद पवार छोड़ते हैं तो पार्टी की कमान किसके हाथ में जाएगी। मौजूदा समय में राज्यसभा के अंदर शरद पवार अपने पार्टी के विरोधी दल के ना अपने पार्टी के नेता हैं, वहीं बात की जाए तो एनसीपी की लोकसभा में जो नेता हैं उनकी बेटी हैं सुप्रिया सुले। ऐसे में कयास ये भी लग रहा है कि अगर शरद पवार अपने कुर्सी को छोड़ते हैं पार्टी के अंदर तो उनकी बेटी के हाथों में पूरी पार्टी की जो कमान है वो जाएगी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।